Hey, what's up, lovely people? You are watching Raghav Acoustics Narayanagar with a new video. और इस वीडियो में आज दो डब्बे अलग अलग होने वाले हैं. हालांकि ये तो दोबारा से रीस्टॉक हुआ है, पर ये कुछ अलग है. तो पहले ही बता देता हूँ, वीडियो और अनबॉक्स करने से पहले, जिनके पास टोयोटा की गाड़ी नए मॉडल की है अबव ऑफ 20, यानी कि इनोवा क्रिस्टा 2022 और फॉर्चुनर जिसमें 2 इंच का फॉग लैंप आता था, या फिर ह्यूंडई की नई सेगमेंट की जिनको आप एन लाइन बोलते हो, या ह्यूंडई वरना 2021 2022 और अपकमिंग, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट होने वाली है. तो अभी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है, तो इसको करते हैं हम अनबॉक्स. अनबॉक्सिंग टूल मेरे पास है, दोनों सील्ड पीस है, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा. क्लियर कट आज आपको दिखाने वाले हैं इसके अंदर है क्या. दिल थाम के बैठे रहो. चलिए, इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. ये वही आपका GTR का ब्लू लेंस 35 वॉट वाला प्रोजेक्टर है. ये बेसिकली 3 इंच में आता था और अब भी 3 इंच में ही है. तो इसके अंदर बदला कुछ नहीं है, बस ये वही सेम मॉडल है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेंज हो चुका है. हाँ, एक अपडेट जरूर देने वाला हूँ, तो बने रहो. अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ. अनबॉक्स करने के बाद दिखाता हूँ इसके अंदर हल्का सा बदलाव क्या है. चलिए इसको खोल लेते हैं, कैसे खुल जाएगा ये और ये पन्नी शन्नी इसकी उतरेगी. लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट करते हैं मुझको डायरेक्ट, और पहले भी करते थे, अब भी कर सकते हो, और उसके बाद हमारी वेबसाइट carconceptshop.com से डायरेक्ट आप खरीद भी सकते हो. तो किसी भी भाई को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और परचेज के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. तो ये है हमारा GTR प्रोजेक्टर. ये इसका वारंटी कार्ड, 1 ईयर की वारंटी, फुल रिप्लेसमेंट इसके ऊपर आती है, पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लाइक ब्रेकेज, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये पीछे की तरफ से कुछ ऐसा है, ये ब्रैकेट है, ये फ्रंट से कुछ ऐसा है, और एक ये क्लॉथ निकलता है इसके अंदर, यूज़ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इसका, और एक स्क्रू सेट और इसका स्प्रिंग वगैरह जिससे इसकी ब्रैकेट एडजस्ट होती है. तो बेसिकली इसके अंदर चेंज पता क्या है, देखो ये सुजुकी वाली ब्रैकेट है, ठीक है. अब ये किसी को ना इनोवा गाड़ी के अंदर फिट करना है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको फिट करने के लिए. यहाँ से इस एंगल से इसको काट लेना आप, ये वाली 2 पत्तियाँ काट के डायरेक्ट इनोवा की ब्रैकेट फिट हो जाएगी, पहली बात. दूसरी चीज़ इसके अंदर चेंज ये आया, देखो पहले यहाँ पे GTR आता था, पर मार्केट के अंदर अब कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया, तो कंपनी ने अंदर लीडर ही एम्बोज कर दिया, तो अब से यहाँ ब्लू लेंस के अंदर ये GTR लिखा आएगा, ठीक है. और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है. अगेन ये वही इसका कर्व जो है उसका, इसके ऊपर जो डी अटैच हो जाता है और ऐसे लग जाता है. लो बीम इन 2 वायर से ही एंगेज होगा इसका, ये जो रेड और ब्लैक देख रहे हो आप, ये रेड प्लस ब्लैक, और रेस्ट ये 2 वायर से आपका हाई बीम एंगेज होगा. ज़्यादा डीप में वीडियो देखनी है तो प्रीवियस वीडियो मैंने इसी के ऊपर बना के डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो. यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 3 इंच का है. तो मेजर जो चीज़ है जो अनबॉक्सिंग के लिए आज आप मेरे चैनल पर वीडियो देखने आए हो, वो ये होने वाली है. ये है हमारा GTR का फॉग प्रोजेक्टर. तो डब्बा कुछ ऐसा दिखता है, सारी चाइनीज़ में लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ये है यहाँ पे 2 इंच लिखा हुआ क्वार्टर लेंस है, और इसके बाद लो बीम भी है, हाई बीम भी है, ठीक है. पीछे की तरफ 6 से 28 वॉट तक ये चलेगा, और उसके बाद 9 से 26 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है करंट इनपुट की, 4800 के और 5800 के तक ये चलेगा, ठीक है. और 30,000 आवर्स का इसका लाइफ स्पैन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. ज़्यादा देखना वीडियो पॉज करके गूगल ट्रांसलेट करके देख लो, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा. GTR की ब्रांडिंग दी हुई है, फ्रंट में GTR की ब्रांडिंग है, और थोड़ी सी चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है. हाँ, उसके कंपैरिजन में बॉक्स बड़ा चेंज आता है इसका. उसके अंदर लीड वाला बॉक्स है, इसके अंदर सीधा लीड के लीड हटा के इन्होंने ऊपर से ही ये ऐसे खोलने वाली लीड लगाई हुई है, जैसे शादी ब्याह वाले कार्ड मिलते हैं मिठाई के डब्बे. ये ऊपर है ब्लैक कलर का पेपर, अच्छा है. एक वारंटी कार्ड दिया गया है, ये वारंटी कार्ड है, ये यूज़र मैनुअल है, पर सारा चाइनीज़ में लिखा है. एटलीस्ट इंपोर्टर को इसको इंग्लिश में तो छपवाना था इंडिया वालों के लिए, पर कोई बात ना, आजकल हर एक के हाथ में फ़ोन है, उसके अंदर गूगल ट्रांसलेटर है, कैमरा करो ऊपर, वो सारा दिखा देगा क्या लिखा होगा, ठीक है. चाइनीज़ किसी को पढ़नी आती है, मोर बेटर है. चलो अब बात आती है, ये देखो इसके 2 क्लैंप्स भी है यहाँ दिए हुए, साइड रखेंगे बारी बारी से. एक क्लॉथ भी दिया हुआ है, ये भी साइड रखेंगे. ब्लेड अंदर नहीं आता, ब्लेड मेरा, ठीक है. और उसके बाद में स्क्रूज़ है अकॉर्डिंग टू पत्ती वाली फिटमेंट, छोटी लगेगी बड़ी लगेगी उसके हिसाब से स्क्रूज़ है दिए हुए. फिर अगर आप ये वाली पत्ती लगाओगे इसमें तो ये ब्रिक स्क्रू लगेंगे. अगेन यहाँ पे दूसरी पत्ती साइड में दी होती है, ठीक है. और मेन हमारा आ जाता है ये वाला प्रोजेक्टर. तो ये है छुटकू सा प्रोजेक्टर, अभी मैं इसको खोल के भी दिखाने वाला हूँ.
ये जैसे छोटा सा प्रोजेक्टर है, ये देखो यहाँ से ये सीधा है, ये क्वाट्रो लेंस लो बीम हो गया और ये वाला हाई बीम हो गया। इसके बाद ये टोयोटा की ब्रैकेट आती है, ये फॉर्चुनर वाली ब्रैकेट है और इनोवा क्रिस्टा वाली ब्रैकेट है। इसके बाद में ये पीछे इसका सीरियल नंबर वगैरह है, ठीक है। और अगेन इसमें वही सेम सिस्टम है तारों का, ये नेगेटिव पॉजिटिव पोल है, उसमें कोई भी लगाते थे चल जाती थी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव पोल है, और उसके बाद ये रेड और ब्लैक से ऑन हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, मैं आपको बीच में भी दिखा के दिखा सकता हूँ कि ये एक्चुअल में इसकी आउटपुट क्या है। ये चीज़ छोटी सी है, देखो है कितना से उंगली के हिसाब से आप लगा लो कहाँ है, ठीक है। तो ये 2 इंच का प्रोजेक्टर है, मैं इसको लगा के टेस्ट कर चुका हूँ पानी में डुबा के, तो हम हर बार इसको देखते ही देखते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल डीप वाटर में नहीं, थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल्स वगैरह देके और अपने हिसाब से पानी में डुबा के निकाल के चेक किया हुआ, चीज़ अच्छी है। बाकी GTR किस क्वालिटी पे बेस है, किस क्वालिटी पे स्टैंड है, वो सब आपको पता है अच्छे तरीके से। तो ये ब्रैकेट जो है ये इनोवा वाली है, आप इसको जुगाड़ करके निकाल के पत्ती से भी लगा सकते हो, लाइक Hyundai वरना में लगाना है, ग्रैंड आइटर नियोस में लगाना है, या Hyundai वेन्यू में लगाना है, किया सोनेट के अंदर लगाना है, किया सेल्टॉस के अंदर लगाना है, किसी में भी लगा सकते हो। पर करने से पहले आप इसकी लाइट जरूर देखना, मैं अभी आपको वीडियो पॉज करके लाइट दिखाने वाला हूँ। तो लाइट दिखाने से पहले मैं आपके लिए ब्रैकेट इसकी खोल देता हूँ, आपको पता रहना चाहिए प्रोडक्ट है कैसा। और अगेन लेने के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और carconceptshop.com की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, हमारे स्टोर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और परचेज़ का लिंक और गूगल मैप का एड्रेस सारा डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएगा। तो ये है मेन प्रोजेक्टर, ये है इसकी लेंथ, देखो GTR की ब्रांडिंग है। तो जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके अंदर हुआ है था वो ब्रैकेट के अंदर छुप गया था, तो GTR यहाँ नहीं दिख रहा था, पर अब आप पूर्ण रूप से देख लो चीज़ कैसी है। और ये टोटली सील्ड है, इसके अंदर से कहीं भी पानी जाने का चांस नहीं है। अगर आप में से किसी की डिमांड है इसको भी खोल के दिखाओ तो वो भी हम दिखा सकते हैं, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा एल्युमिनियम का बॉडी शेल है ये, कोई भी प्लास्टिक कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, इवन ये वायर्स तक भी ना हीट प्रूफ फायर प्रूफ वायर्स हैं। उसके बाद में ये फ्रंट में एल्युमिनियम करेंगे, अपने आप R&D मत करना इसको खोलने की है, यहाँ से खोल के अंदर देखने की, क्योंकि ये परफेक्टली दोबारा फिट नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ मशीन के ऊपर R&D होके फिट होके आ गई तो उसके बाद इंसानी हाथ में आके वो ठीक से दोबारा फिट हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं लीकेज का चांस रह जाएगा। यहाँ पे इसके ब्रैकेट के स्क्रूज़ हैं, अदरवाइज़ बाइक पे लगाना चाहते हो तो ये स्पेशल माउंट आता है इसका, ऐसे करके लग जाएगा ये, नहीं तो आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग आपने जैसे जुगाड़ करना है वैसे कर सकते हो। बेसिकली है 2 इंच का और ये वाला हमारा 3 इंच का है। लाइट के मामले में बात करो, इसकी 5800 केल्विन की लाइट है, यानी कि ऑल वेदर येलोइश आता है, ये वाइटिश है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना आप। पर जिनकी डिमांड, मतलब जिनको ना वो 5-7 हज़ार रुपये की LED लगा के ना फॉग लाइट में मज़ा नहीं आ रहा, स्पेशली जिनकी 2 इंच की फॉग लाइट है सिर्फ, तो जिनको मज़ा नहीं आ रहा ये उनके लिए है, तो निश्चिंत होकर आप लगा सकते हो। अपकमिंग प्रोजेक्ट ये हमारी अपनी गाड़ी में भी आने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि जुगाड़बाजी करके लगाना फिट करना एक्यूरेसी सारा, उसके बाद ही हम आपको दिखा पाएंगे, पर ये अपकमिंग प्रोजेक्ट में आने वाला है। तो आज ही हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो अपनी लाइटों से बिल्कुल ही दुखी हैं, एक रोड प्रेजेंस उसको रोड पे नहीं मिल पा रही है। तो और कोई लाइटिंग अपग्रेड के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और स्पेशली हमारी से वेबसाइट carconceptshop.com को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर सेटअप रेंज, कोई भी रेट्रोफिट हो, कोई भी स्वैप के पर्पज़ से हो, कोई भी फॉक प्रोजेक्टर हो, इवन AES हो, GTR हो, आपको ओजूम हो, ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे। बेस्ट डिस्काउंट बेस्ट प्राइस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, वही सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी वो वीडियो, यही था हमारा GTR का छोटा सा प्रोजेक्टर। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो मिल जाएगी, और बी श्योर वो दीवार के ऊपर नहीं है, वो वही उसी लोकेलिटी की वीडियो आपको दिखने वाली है जिस पे हम आपको पहले दिखाते हैं कि रोड लंबी है 150 मीटर की और दूर तक फ्लैश दिखता है उसका, और बाकी तो चला के ही आपने बताना है। आप सभी हमें जानते हो कि हम आपके लिए कूड़ा प्रोडक्ट नहीं लेके आने वाले, जो खुद टेस्ट करके देख चुके हैं वही आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं, और इसी के साथ एडवांस में थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और पहले ही बता रहा हूँ हाई बीम के पर्पज़ से ये प्रोजेक्टर नहीं होने वाला, तो हाई बीम मैं यहाँ आपको चला के भी नहीं दिखाऊंगा, बट एज़ पर प्रॉमिस वर्ड ये बम्प प्रोजेक्टर है, ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको अपने स्टॉक फॉग लैंप में, यानी कि जिसके 2 इंच के फॉग लैंप पे मज़ा नहीं आ रहा उसके लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखो और वो देखो लाइट, अप्रोक्सीमेट 150 मीटर दूर है ये। और बेहतर तो खैर मेरे दिखाने से नहीं, वो आप सब अपनी गाड़ी में लगाने के बाद फीडबैक शेयर करोगे, बट आपको पता है कार कॉन्सेप्ट.com अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेके आता है। हैव अ नाइस डे।